हाई एवरी वन, यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम जून 2019 जो कि अब एक महीने में होने वाला है. तो उन्हीं टॉपिक में से आज आपके लिए एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे कि आपके 4 मार्क्स ईजिली आप ले सकते हैं इन योर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम. कोडिंग डिकोडिंग से आपके हमेशा 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देर आर सर्टेन ट्रिक्स जिनसे आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है बहुत इजीली. सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डूइंग दैट एंड दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. इन फर्स्ट सेक्शन वी विल बी टेलिंग यू द ट्रिक्स कि कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को इन जस्ट 1 मिनट. एंड इन द सेकेंड सेक्शन आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे कैसे ये ट्रिक्स फॉलो होती हैं विद एग्जांपल्स. एंड इन द थर्ड सेक्शन आई विल बी टेलिंग यू बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि कैसे आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं फॉर योर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न किस तरीके का आता है. कोडिंग डिकोडिंग बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बट फॉर योर यू जी सी एन टी नेट एग्जाम there is a specific pattern जो कि use होता है. First is alphabet based. So alphabet based first वाला है. Second comes numeric based. Thirdly alphabet plus numeric both. But for your UGC NT NET exam the first one that is the alphabet based is very important. These two are also important but we have to focus more on the first part because mostly questions यहीं से आते हैं. So let's start the patterns. So यहाँ पर हम देखने वाले हैं 4 patterns, 4 tricks देखने वाले हैं जो कि exams के लिए important है, जिसके through आप UGC NT NET exam में coding decoding easily solve कर लेंगे. तो इसमें जो पहला rule आता है that is you have to learn these tables which is very important because through learning these tables you can easily guess कौन सा कोड कहाँ लगेगा, कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा नंबर कहाँ आता है. सो इन द फर्स्ट ट्रिक यू हैव यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ए को 1 बोला जाता है, बी को 2 असाइन हुआ है, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी को 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19 एंड सो ऑन. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहला रूल आपका यही रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर दीज टेबल. एंड इसका जो ईजी फॉर्मैट है, ये जो 5 वर्ड्स हैं दैट इज कॉल्ड एजोटी. आप कोडिंग डिकोडिंग की जो भी वीडियोज देखेंगे यू विल सी दैट ये फॉर्मूला आपको हमेशा मिलेगा. E को 5 बोला जाता है, J का है 10, O को 15 असाइन हुआ है, T 20 एंड Y 25. देर आर सर्टन वेज यू कैन रिमेंबर दीज न्यूमेरिकल्स, दीज टाइप्स ऑफ फॉर्मूला. लाइक T20 मैच आप देखते होंगे, सो उससे आप T20 को याद कर सकते हैं. G7 को ऐसे याद कर सकते हैं, G7 वर्ल्ड की जो समिट्स होती हैं ग्रेट पावर्स की, कंट्रीज की, यू कैन रिमेंबर बाय दैट. आप ऐसे ही और वर्ड्स को भी याद कर सकते हैं इजीली. लाइक L12 जो है राइम हो जाता है L12, सो यू कैन रिमेंबर लाइक सच वेज. यू कैन मेक सच फॉर्मूलाज, यू कैन मेक सच ट्रिक्स सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स इजीली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पहले ये टेबल याद करना है. A को 1, B को 2, D को 4, E को 5 एंड दिस एजोटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट हमने देखा ये रूल. सेकेंड आता है अपोजिट पैटर्न. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द अपोजिट पैटर्न ऑल्सो. A का अपोजिट है Z, B का है Y, C का X, D का W, E का V, F U G T H S I R J Q K P L O M N. M N याद करना बहुत ईजी है, M के बाद N आता है. A Z याद करना भी ईजी है, फर्स्ट एंड लास्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज अपोजिट पैटर्न ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल A to 26, देन यू हैव टू रिमेंबर द अपोजिट पैटर्न दैट A को Z, B को Y, C को X. देन कम द थर्ड ट्रिक दैट इज कैसे कैसे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, किस तरीके से आ सकता है. अगर आपको 4 यहाँ ऊपर दिए हैं A, B, C, D, यहाँ दिया है F, G, H, I, मे बी इनके बीच में +1 का डिफरेंस हो, मे बी +2 का डिफरेंस हो, मे बी +3 का डिफरेंस हो, या मे बी +4 का डिफरेंस हो. तो ये तरीके से भी गेस किया जा सकता है +1 का डिफरेंस है या फिर -1 का डिफरेंस है, और +1 -1 +1 -1 का डिफरेंस है, और +2 -2 फिर +2 फिर -2 का डिफरेंस है, और +1 -2 +3 -4 का डिफरेंस है. ये थोड़ा थोड़ा आपके सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी मैच कर रहा है. हमारी जो सीरीज की
वीडियोस है वो भी आप देख सकते हैं, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स भी हो सकता है. तो इस तरीके से भी प्रोबेबिलिटी होती है आने की. तो ये था थर्ड ट्रिक. देन आता है फोर्थ. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. ऐसे भी ट्रिक्स आती हैं, कई बार ऐसे फॉर्मूले दिए होते हैं, कई बार ऐसे किया होता है इनको असाइन, जहाँ पर चार अल्फ़ाबेट्स होंगे, नीचे के आपको चार अल्फ़ाबेट्स ढूंढने पड़ेंगे. मे बी उनको ऐसे कुछ असाइन किया हो कि आपका फॉर्मूला ऐसे जाए, मे बी उनको ऐसे किया हो उन्होंने असाइन कि आप प्लस वन यहाँ करेंगे, प्लस वन यहाँ करेंगे, प्लस वन यहाँ करेंगे, या मे बी ऐसे दिया हो आपको, इस तरीके से भी दिया हो सकता है. तो ये तीनों फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं, इन पैटर्न से भी. कई बार ऐसे आपको दिया होता है कोडिंग का, कई बार ऐसे भी दिया होता है, एकदम अपोजिट से एकदम कॉर्नर में अपोजिट होते हैं, या फिर सेम नंबर्स भी हो सकते हैं, ए का ए, बी बी, सी सी, इट कैन ऑल्सो कम लाइक दिस ऑल्सो. सो दीज आर द फोर मेजर ट्रिक्स. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पैटर्न वन, टेबल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. टेबल को याद करना, ए वन बी टू सी थ्री, एंड ध्यान रखिए यू कैन ऑल्सो मेक फॉर्मूलाज ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन फॉर्मूलाज, लाइक आई हैव मेड T20 मैच होता है, G7 मीटिंग्स होती हैं, L12 राइम होता है. यू कैन ऑल्सो मेक सच थिंग्स फॉर दी अदर्स ऑल्सो. Then comes the opposite pattern, A, Z, B, Y. Then third one is major tricks like plus 1, plus 2, minus 1, minus 2, plus 1, plus 2, plus 3. Then comes the another trick, that is opposite में दूर दूर भी हो सकता है, A का यहाँ पर जा रहा हो, ये यहाँ जा रहा हो. So now, let's apply these formulas in these examples so that you will easily get to know ये solve कैसे होते हैं. So first example is, if Madras is written as NBEDBT, find the code for Bombay. अगर Madras को लिखा गया है NBEBT, तो Bombay को कैसे लिखेंगे. So now let's see, ये रहा Madras, then comes NBESBT. So यहाँ अगर हमने formula 1 ढंग से किया है, एंड फॉर्मूला ट्रिक जो हमारा फॉर्मूला 1 है, फॉर्मूला 3 अगर ढंग से पढ़ा है, तो वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. टेबल में M को 13, A को 1, D को 4, R को 18, A को 1, S को 19 दिया है. N का 14 था, B का 2, E का 5, S का 19, B 2, T 20. सो इफ यू नो दिस टेबल, इफ यू कैन ईजिली असाइन दीज वैल्यूज, उसके बाद ईजी हो जाता है गेस करना कि डिफरेंस कितना है. अगर हम यहाँ देखें 13 के बाद 14 है, 1 के बाद 2 है, मतलब प्लस 1 हो रहा है, 4 के बाद 5 है, 18 के बाद 19 है, 1 के बाद 2 है, 19 के बाद 20 है. तो वी कैन ईजिली से यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है. तो यही सेम होगा बॉम्बे में भी. कैसे? B to C plus 1, O to P, M N, B C, A P, Y Z. So हमारा आंसर क्या हुआ? S P N C P Z. So this was the answer. So first example जो आ रहा है, that is from first and second trick. Now the second example is, यहाँ पर अब टीचर को कोट किया है V G C E J G T, और हमको क्या फाइंड करना है? चिल्ड्रन का कोड. सो पहले हम देखेंगे कि टीचर को कैसे कोड किया गया है. सो इफ यू रिमेंबर द ट्रिक वन एंड सेकेंड, ट्रिक वन एंड थर्ड, यू कैन इजीली सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल आ रही है, T20, E5, A1, C को 3 बोला है, H को 18, E5, R18, V का 22 था, G7, C3, E5, J10, G7, T20. सो यहाँ पर अगर हम देखें, अब इनका गैप 20 टू 22 जा रहा है, 5 टू 7, 1, 3, 3, 5, 8, 10, 5, 7, 8, 20. सो यहाँ हम देख रहे हैं प्लस 2 का गैप है, 20 से 22 जा रहा है, 5 से 7, 1, 3, 3, 5. सो दिस इज 2 का गैप. सो नाउ वी विल डू द सेम थिंग टू द चिल्ड्रन ऑल्सो. यहाँ पर चिल्ड्रन में भी अब सेम ट्रिक अप्लाई होगी. कैसे? प्लस 2, सी डी ई प्लस 2 हो गया, एच आई जे प्लस 2, आई जे के प्लस 2, एल का एन प्लस 2. सो यहाँ पर भी प्लस 2 अप्लाई हो जाएगा. जो जैसा यहाँ अप्लाई हो रहा है, वही अप्लाई यही भी होगा. सो यहाँ पर क्या ट्रिक लगी है? ट्रिक फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज, इफ चेयर इज असाइंड एज एक्स एस जेड आर आई एंड अबव इज असाइंड एज जेड वाई एल ई वी, व्हाट विल बी एवरी. हमें फाइंड करना है एवरी का. तो यहाँ हम देखें, यहाँ लग रहा है हमारा रूल ऑफ अपोजिट. एंड अपोजिट रूल में क्या था? सी का उल्टा क्या है? एक्स, एच का एस,
का जेड, आई का आर, आर का आई, ए का जेड, बी का वाई, ओ एल वी ई वी। तो जब हम ये दो चीजें देखते हैं कि इनका क्या कोड है, ये कैसे जा रही हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ अपोजिट लग रहा है। जब आप ट्रिक नंबर टू देखेंगे, यहाँ क्या था, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, यही ट्रिक लग रहा है एग्जाम्पल नंबर थ्री में। एंड कैसे लग रहा है, वेन वी सी सी एक्स एच एस ए जेड आई आर आर आई, वी कैन इजिली गेस दैट यहाँ पर अपोजिट का रूल लग रहा है, बिकॉज सी का एक्स अपोजिट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप रूल ऑफ अपोजिट भी याद कर लें कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है। इफ यू रिमेंबर द रूल ऑफ अपोजिट, यू कैन इजिली फाइंड कि यहाँ तो अपोजिट का रूल जा रहा है, एंड यू कैन इजिली मार्क हेयर ऑल्सो ई का अपोजिट वी, V का E, E का V, R का I, Y का B. So this was solved by rule of opposite. Now the next question is example number 4. So it is solved by trick 4. And how it is solved? यहाँ पर अगर हम देखें, radio को B S E P J लिखा है, कैसे लिखा है, प्लस वन हो रहा है, बट प्लस वन कैसे हो रहा है, ऐसे, दिस इज द फ्लो, क्रॉस में जा रहा है। और ये कौन सा ट्रिक आएगा, दिस ट्रिक, इसमें ये ट्रिक लग रहा है आपका, ये वाला ट्रिक, क्रॉस में जा रहा है सब। सो इफ यू सी द ट्रिक प्रॉपरली, रेडियो का जा रहा है क्रॉस में, डी का ई जा रहा है सीधा, एंड इनका जा रहा है क्रॉस में। तो यही सेम अप्लाई होगा यहाँ पर भी, प्लस वन हो रहा है, बट प्लस वन कैसे हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग ऑन एकदम नीचे पैरेलल में, प्लस वन हो रहा है बट क्रॉस में हो रहा है। यू हैव टू सी दीज थिंग्स प्रॉपरली, कैसे कैसे पैटर्न है, कैसे कैसे ट्रिक्स हैं। सो W का X, प्लस वन, O का P, R का S, L का M, D का E. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व बाय ट्रिक 4 अगेन। पोर्चुगीज को अगर लिखा है E C E G U T R O P, डिक्शनरी को कैसे लिखेंगे। सो फॉर दिस यू नीड टू सी हाउ दे हैव रिटन पोर्चुगीज। सो इसमें भी आपका जाएगा सॉल्व बाय ट्रिक 4, कैसे, P P लिखा है, E को E, S को S, O को O, so ये एकदम क्रॉस में जा रहे हैं और एकदम सेम तरीके से लिख दिया जा रहा है। सो इफ यू सी, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं कि उन्हें अपोजिट करके एकदम क्रॉस में करके लिख दिया जाता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, D D Y Y I I R R and so on. So this, so these were the 5 examples जो कि 4 tricks से solve हो जाते हैं, and these 4 tricks are most important for your UGC NTA NET exam. Now we will be solving the previous year questions. So previous year questions में भी ये tricks जाती हैं, which are very easy to solve, and यही pattern में UGC के exam में अभी भी question आएंगे. So in the first question you have fist is coded as JMWX. Fist को code किया है JMWX. तो board को कैसे code करेंगे? If we see फिस्ट को F I S T J M W X, सो यहां पर अगर इनके नंबर्स, इफ यू रिमेंबर द टेबल, तो यू विल सी प्लस 4 हो रहा है। इफ यू रिमेंबर द टेबल, प्लस 4 हो रहा है। टी का क्या था, 20, सबसे इजी, यहां पर हो रहा है 24, तो क्या हो रहा है, प्लस 4। 20 और 24 कैसे आया है, टी का साइन क्या था टेबल में, 20, एक्स का साइन क्या क्या था, 24, so you can easily guess यहाँ पर plus 4 हो रहा है, same for S, same for W, I, M, F, J, plus 4 in everyone, so for both it will be plus 4, B से F, O से S, A से E, T से X, so this will be add 4, so यहाँ पर इस previous year question में अगर हम देखें तो ये solve कैसे हुआ है, B में अगर हम plus 4 करें, this is F. O में अगर हम 4 plus करें, this is S. So this was F S E X. So this was the answer. यहाँ पर add 4 वाला हो रहा है. Then comes question 2. In a certain code, life is written as K M H J E G D F. How is word written in that code? अगर life को लिखा गया है K M H J E G D F, तो word को कैसे लिखें? तो यहाँ पर अगर हम देखें life को कैसे लिखा गया है, लाइफ के आगे पीछे के जो अल्फाबेट्स हैं, दे हैव यूज दोज अल्फाबेट्स। व्हाट कम्स बिफोर एल, दैट इज के, एंड व्हाट कम्स आफ्टर एल, दैट इज एम। सो दे हैव रिटन लाइक दिस, के एल एम, एंड व्हाट कम्स बिफोर आई, दैट इज एच, एंड व्हाट कम्स आफ्टर इट, दैट इज जे। सो एच आई जे, सेम फॉर एफ ऑल्सो, एफ से पहले क्या आता है, ई, उसके बाद जी, ई से पहले आता है डी, देन एफ, सो दे हैव रिटन के एम एच जी ई डी एफ, इस तरीके से। सो वर्ड भी इस तरीके से ही लिखा जाएगा, W से पहले आता है V, then comes X, O से पहले N, then P,
PQRSCDE. So the code is VXNPQSSE. So you have to remember such patterns, such things ki kaise aa sakta hai. So in the last question, previous year question, question number 3, we have Mathura, which is coded as JXQEROX, and we need to find hotels ka formula kya hai. So if we see Mathura is coded as M ka table mein 13 hai, J ka 10 hai, A ka 1, X ka 24, T ka 20, Q ka 18, H ka 8, E ka 5. So if you remember the table properly, if you have learned the table, you can easily solve this question, because table se pata chal raha hai, yahan par minus 3 ka gap ho raha hai. How? M ka 13 hai, J ka 10 hai, means minus 3 ho raha hai. A ka 1 hai, X ka 24 hai, matlab reverse mein minus ho raha hai. T ka 20 hai, Q ka 18, that is minus Q17 hai, that is minus 3. H ka 8, E ka 5, that is minus 3. So, hotels mein bhi same hoga. Hotels mein aap minus 3 kar denge. 8 hai, 8 ka, H ka 8 hai. To yahan par 5 hona chahiye, that is E. ELQBIP. To iska kya ho jayega? Minus 3. To hotels mein bhi aapka minus 3 chalega. And the answer will be ELQBIP. So, this was the answer. So, in this question, we have used the table. So, it is very important for you guys to remember the table, to remember the opposite signs. It is very important to remember the tricks also, that cross mein question aa raha hai, ya fir direct aa raha hai, kaise aa raha hai. So, these were the previous year questions, examples, and the 4 important tricks for your UGC NT NET exam. And the last question is for your practice. If streams is coded as UVTGALDQR, then knowledge will be coded as. Agar streams ko code kiya gaya hai UVTGALDQR, to knowledge ka code kya hoga? These are the 4 options, and you have to tell me the right answer in the comment section. So this was about the coding decoding questions, and for these questions, again, I'm telling you, you have to remember these 4 tricks, which are very important for your UGC NT NET exam. And these were the past year papers. And this question you have to solve and give me the answer in the comment section. Don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.